हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल फ्रिक वीडियोस। आज हम लोग आ गए हैं वेनिशियन रिजॉर्ट मैकाओ, जो कि एक कैसीनो और एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट है मैकाओ में। मैकाओ एक सिटी है चाइना के साउथ में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है जो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड बाय चाइना है। इसको लास वेगास ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लोकेटेड है एशिया का सबसे बड़ा कैसीनो, और ये है वेनिशियन रिजॉर्ट के अंदर। वेनिशियन रिजॉर्ट का ओनर अमेरिकन लास वेगास सैंड्स कंपनी है, जिनका एक रिजॉर्ट लास वेगास में भी है, लेकिन मैकाओ में जो रिजॉर्ट है इसका साइज़ लास वेगास के रिजॉर्ट का लगभग डबल है। ये एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सिटी जैसा है, जिसके अंदर 3000 स्वीट्स है गेस्ट रूम्स रहने के लिए, लगभग 300 शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए, दुनिया के सारे ब्रांड यहाँ अवेलेबल हैं, 35 रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट डाइनिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग इंडियन। इसके अलावा भी यहाँ पर फूड कोर्ट है जिसमें लगभग 1000 लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं, और मेन जो है वो कैसीनो तो है ही है, जिसमें डिफरेंट गेम्स हैं। इसका नाम वेनिशियन है क्योंकि ये इसका जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड बाय वेनिस सिटी ऑफ इटली है। यहाँ पर गोंडोला राइड है जो बिल्कुल वेनिस के थीम में बना हुआ है, आर्किटेक्चर भी काफ़ी हद तक वेनिस के साथ मिलता जुलता है। वेनिस से इंपोर्ट करके काफ़ी चीज़ लाके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। एक नया एक्सटेंशन 3-4 साल पहले बना है जिसका नाम पेरिशियन है, जिसका आर्किटेक्चर पेरिस से इंस्पायर्ड है। एक यहाँ पर मिनी आईफेल टावर भी है जिसमें लाइटिंग काफ़ी अच्छा होता है और ऊपर तक चढ़ के नीचे का व्यू भी आप देख सकते हैं। इस पूरे बिल्डिंग का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है उसमें बहुत सारा गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो चारों तरफ गोल्डन प्लेटिंग बहुत अच्छी तरीके से विजिबल है, जो हमारे वीडियो में भी आगे आप देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके रूम टूर, इंटीरियर जो डिफरेंट एंटरटेनमेंट एरियाज़ है उनका टूर करेंगे, स्कल्पचर्स और हॉल्स आपको दिखाएंगे। कैसीनो के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए हम कैसीनो के अंदर का फ़ोटो नहीं ले पाए, लेकिन कैसीनो के सामने से आपको कुछ व्यू हम दिखा पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अब हम लोग आ गए हैं हमारे स्वीट रूम के अंदर, जो कि 33rd फ्लोर पे है वेनिशियन मैकाओ के साउथ विंग में। अभी जैसे हम लोग शुरू से वॉशरूम से स्टार्ट किया है, काफ़ी हद तक गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है हर जगह। जैसे आप देख सकते हैं, वीडियो में शायद उतना क्लियर ना हो, लेकिन जो डोर नॉब है, जो टैप है, सब कुछ प्योर एक गोल्डन प्लेटिंग है, जिससे कि एक अलग एरिस्टोक्रेटिक लुक आया है। स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये वॉशरूम का मिडिल एरिया है, लेफ़्ट साइड में बाथटब है, राइट साइड में एक और छोटा सा एरिया दिया गया है। ये रूम का एंट्रेंस है। अब हम रूम के अंदर जाएंगे। इन रूम्स को आप स्वीट कह सकते हैं। इनफैक्ट इन सारे रूम इनका ऑलमोस्ट यही कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कि पहले यहाँ पर एक किंग बेड है। ऑफ कोर्स बेड का चॉइस हमने किंग बेड दिया था, आप दो अलग अलग सिंगल बेड भी ले सकते हैं। और बेड के दोनों साइड में छोटे छोटे बेड साइड टेबल्स हैं, लाइट्स हैं। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑप्शंस है लाइटिंग का, तो डिम लाइटिंग के साथ काफ़ी अच्छा एक माहौल बन जाता है। और दो स्टेप यहाँ से नीचे जाके ये सिटिंग एरिया है, जहाँ पर एक सोफ़ा है, एक स्टडी टेबल है और एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी है, जहाँ पर इन रूम डाइनिंग का आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, क्योंकि 33rd फ्लोर में है। ये रिवर है, रिवर क्रॉस करके हम इधर आए हैं। जो मैकाओ एयरपोर्ट है और फेरी है, वो सब रिवर के दूसरे साइड में है। ओवरऑल बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही कंफर्टेबल रूम है। लेकिन रिजॉर्ट के अंदर इतना सारा एक्टिविटी है कि रूम में स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अब हम लोग आ गए हैं नॉर्थ विंग लॉबी में, जो कि एक ओपन एरिया राउंड शेप का है ग्राउंड फ्लोर में। ये फेमस है स्कल्पचर और पेंटिंग के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, सेंट्रल एरिया में एक बहुत बड़ा स्कल्पचर बना हुआ है। रूफ में जो पेंटिंग है, ये वेटिकन में जैसा पेंटिंग है उसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। बहुत इंट्रिकेटली बनाया है, बहुत ही अच्छा है। इस जगह पे आके रियली लगता है कि आप इटली के किसी जगह पे आ गए हैं। जैसे वेनिशियन नाम है, तो एवरीथिंग इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम इटालियन, यूरोपियन। स्कल्पचर भी बहुत इंट्रिकेट है। यहाँ पर इन्होंने एक एक्सटेंशन बनाया है होटल का, वेनिशियन के अंदर ही है, जिसका नाम पेरिशियन है। उसका थीम पेरिस है। थोड़ा सा इन्होंने वेरिएशन दिया है। वहाँ पर भी लॉजिंग है। ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है, वो सीधे बिल्कुल पेरिशियन का रिसेप्शन है। पेरिशियन में भी लोग रूम बुक कर सकते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं। एक आईफेल टावर भी बना हुआ है जस्ट आउटसाइड दिस प्लेस, जिसमें लिफ्ट है, ऊपर तक जा सकते हैं। रियल आईफेल टावर से तो छोटा है, लेकिन फिर भी उसका साइज़ कुछ कम नहीं है, काफ़ी बड़ा टावर है। उसके ऊपर से नीचे का व्यू देख सकते हैं। लाइटिंग भी है, जिसमें हम ऊपर तक तो नहीं गए थे, लेकिन हमने लाइटिंग का वीडियो कैप्चर किया है, जो आगे चल के आपको दिखाएंगे। ये एरिया काफ़ी हैपनिंग है, जहाँ पर लोग घूम रहे हैं। चारों तरफ शॉप्स वगैरह भी है। ये है द ग्रेट वेनिशियन हॉल, जो वेनिशियन मैकाओ का सेंट्रल प्लेस है। यहीं पर है कैसीनो, और यहाँ से अलग अलग पॉइंट में जाने के लिए अलग अलग रास्ता निकलता है। शॉपिंग आर्केड, गंडोला राइड, फूड कोर्ट, हर जगह जाने के लिए यहीं से जाना पड़ता है। ये आपको सामने कैसीनो दिख रहा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में अलग अलग टेबल्स हैं, अलग अलग टेबल में लोग अलग अलग गेम खेल रहे हैं। हम लोग भी अंदर गए थे लेकिन वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। अंदर अलग अलग स्लॉट मशीन्स भी हैं और कुछ मैनुअल टेबल्स भी हैं जहाँ पर आप बेट कर सकते हैं और उनके ऑपरेटर हैं वो आपके लिए गेम खेलते हैं और आपको बता देते हैं आपने जीता है या आपने हारा है। तो हम लोगों ने $10-10 का बेट लगाया था और दोनों हार गए।